आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न डाइट सैलेड, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं। खीरे को छोटे पीसेस में कट कर लें। टमाटर को छोटे पीसेस में कट कर लें। एक गाजर कद्दूकस कर लें। बंद गोभी हमें आधी चाहिए होगी, उसे भी कद्दूकस करके गाजर के साथ मिक्स कर दें। एक प्याज लेकर उसके भी छोटे टुकड़े काट लें। एक सेब का छिलका उतारकर उसे भी कद्दूकस कर लें। एक शिमला मिर्च भी छोटे टुकड़ों में काट लें। सैलेड की ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक जवा लहसुन का कुटा हुआ, दो चम्मच मायोनीज, तीन से चार चम्मच ताजा दही, एक चम्मच ओरिगैनो लीव्स, नमक आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, एक लीमू का रस, और एक चम्मच ऑलिव ऑयल। सैलेड में हम शामिल करेंगे एक कप उबले हुए कॉर्न यानी मकई। मजेदार डाइट सैलेड तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मेडिटेरियन सैलड, तो चलिए बनाते हैं। एक खीरे के स्लाइसेस काट लें। एक टमाटर के भी स्लाइसेस काट लें। बंद गोभी का हमें एक छोटा टुकड़ा चाहिए होगा, इसे भी अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लें। सैलेड की डिप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक चम्मच ऑयल, एक लीमू का रस, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच ओरिगैनो लीव्स, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच सफेद तिल और एक चम्मच भरकर शहद। अब हम इस डिप को अपनी सब्जियों पर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मेडिटेरेनियन सैलेड तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन चिकन सालसा, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। ऑयल हमें चाहिए होगा दो चम्मच, चिकन का कीमा 500 ग्राम, नमक एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चम्मच, चिकन को ठंडा करके एक बाउल में डाल लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई प्याज,
शिमला मिर्च कटी हुई आधा कप, गाजर कटी हुई आधा कप, कद्दूकश की हुई बंद गोभी एक कप, चॉप किया हुआ टमाटर एक कप, आधा कप मायोनीज, एक लीमू का रस, काली मिर्च आधा चम्मच, ओरिगेनो लीव्स एक चम्मच, नमक आधा चम्मच। अब तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। बेहतरीन जायके के लिए एक सेब भी शामिल कर लें। मजेदार चिकन सालसा तैयार है।